अस्सलाम वालेकुम जी, आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड है। बहुत अरसे से मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा जाता था कि किस तरह से हम ग्रे हेयर को कवर करें, तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि मैं क्यूने के 7 लेवल के साथ एक फैशन शेड है ये, इसके साथ मैं किस तरह से ग्रे हेयर को कवर करूंगी। तो जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से एक फैशन शेड के साथ सफ़ेद बालों को कवर करती हूँ, वो मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर कंप्लीट देखें। और देखें, लगाने का मेथड सेम है, जिस तरह से हमेशा मैं कलर की एप्लीकेशन करती हूँ वैसे ही। एक बहुत पतले पतले फ्लिक लेके तो उन स्टैंड्स के ऊपर देखें मैं कलर की एप्लीकेशन कर रही हूँ, और कलर की एप्लीकेशन बहुत भर के कर रही हूँ। अगर आपकी ये वाली एप्लीकेशन अच्छी नहीं होगी तो आपकी ग्रे की कवरेज नहीं होगी। तो 7 नंबर के साथ 20 वॉल्यूम को मिक्स किया है सेम रेशियो में, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन हो रही है, और इंशाल्लाह सारे के सारे जो सफ़ेद बाल हैं वो कवर हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देखें कि कितने अच्छे तरीके से ये जो हमारा लेवल है वो आ चुका है। ये पहले भी 7 नंबर ही यूज़ करती हैं क्यूने का, और देखें इनके बालों में बहुत ही खूबसूरत एक माशाल्लाह से कलर है। और आज हम इन बालों के ऊपर 7 स्ट्रीक्स करेंगे, और आपके साथ शेयर करेंगे अपने स्ट्रीकिंग के रिज़ल्ट भी। बाल देखें बहुत ही खूबसूरत अच्छे तरीके से कवर हो चुके थे, और बड़े ही अच्छा एक शेड आ चुका था 7 लेवल का। अब देखें यहाँ पे मैं स्ट्रीक्स कैप पे ना के इनके जो है वो स्ट्रीक्स वाले हेयर्स निकाल रही हूँ। और इसका मेथड भी बड़े लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया कि स्ट्रीकिंग के बाल किस तरह से निकाले जाते हैं आप बताएं, तो मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप मेरा चैनल चेक किया करें, आपको उसके अंदर बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी। यहाँ देखिए पूरे हेयर्स के जो कैप में से हेयर्स हैं वो आउट हो गए हैं, तो उसके बाद इनको नीट किया है और इसके टेंगल्स को निकाला है, और उसके बाद मैंने ये जो क्लिप है आपके लिए रिकॉर्ड किया कि इसी तरह से आपने नीट एंड क्लीन हेयर्स निकालने हैं। अब यहाँ पे भी जनाब क्यूने का जो ब्लीचिंग पाउडर है और क्यूने का डेवलपर जो है जिसको हम 40 वॉल्यूम बोलते हैं वो मिक्स किया है, और उसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं। पाउडर को मैंने अगर 2 हिस्से लिया तो मतलब 2 चम्मच पाउडर और 4 चम्मच की जो वॉल्यूम है उसकी रेशियो से मैंने इसको मिक्स किया। और मिक्सिंग के बाद देखिए एप्लीकेशन नोटिस कर लें आप, यहाँ पे बालों के काम के अंदर आपकी एप्लीकेशन जितनी अच्छी होगी उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सबसे पहले लेंथ में लगाया था कलर, और उसके बाद मैंने रूट्स में लगाया था ताकि आपके जो क्राउन एरिया होते हैं वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है और कलर बहुत जल्दी आ जाता है, तो लेंथ में कलर आने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले आप लेंथ में थोड़ा कलर ले आया करें, उसके बाद जब 6, 7, 8 लेवल का कलर आ जाए तो उसके बाद आप रूट्स में लगाया करें। यहाँ एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ गया था। 9, 10 लेवल तक मैंने ले जाके इनका रिज़ल्ट आने के बाद मैंने इनको वॉश करवाया। वॉश करवाने के बाद बालों में कोई कॉपर पिगमेंट नहीं था, हाँ येलो पिगमेंट ज़रूर थे। अब इसको न्यूट्रलाइज़ करेंगे। न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मैं यहाँ क्यूने का आज 0/10 यूज़ करूँगी, जो कि एक ही ब्लू की पिगमेंट है, और उसके साथ क्लियर टोन ऐड करूँगी जो कि 000 के नेम से आपको किसी भी कंपनी में मिल जाएगी। ब्लू की पिगमेंट को मैंने 1 इंच के बराबर लिया है, और 3 हिस्से मैंने निकाले थे 000 के, उसको 10 वॉल्यूम से मैंने इसको मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद मैं यहाँ इनकी एप्लीकेशन कर दूँगी। इस एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से करना है कि आपके कोई भी येलो जो हेयर्स हैं वो नज़र ना आए। एक दफ़ा एप्लीकेशन करने के बाद उसको ब्लेंड ज़रूर किया करें और दोबारा एप्लीकेशन कर दिया करें, ताकि आपकी एप्लीकेशन जितनी अच्छी होगी आपके काम के रिजल्ट्स उतने ही बेहतर होंगे। अच्छा जी, अब इस कलर को लगाने के बाद हम 20 मिनट्स का वेट कराएंगे, और 20 मिनट के बाद इसको वॉश करेंगे। वॉश करवाने के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, सबसे पहले सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आगे शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि काम आपको कैसा लगा, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं, मेरी वीडियोज़ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हैं कि नहीं। और इसके अलावा आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल पर आते हैं, सब मेरी वीडियोस देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, सवाल पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आपको मेरे काम में इंटरेस्ट है। तो यहाँ जी ड्राई करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखाएंगे, और देखिए इनको बहुत ही जिस तरह का इनका कलर डिमांड थी इनको वैसा कलर मिल गया था, और ये बहुत हैप्पी थी, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी भी लग रही थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के काम बहुत अच्छा हो गया और कस्टमर भी हैप्पी हो गया, तो फिर हम भी हैप्पी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ आपके साथ कोई अच्छा सा काम लेके हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।